welcome to Sumant Digital English Tutorial Videos. It's Rajnikant Tiwari. I'm going to upload the fourth and final part of the lesson, The Socrates, written by Rodopa. So let's come on to the text. In Athens, when people were condemned to die, they were given a cup of poison. In Athens, Athens mein, when people were condemned to die, जब लोगों को मृत्युदंड दिया जाता था, they were given a cup of poison, उन्हें एक प्याला विष दिया जाता था. Socrates knew this, and he nodded to the jailer, who looked at him sadly, saying, "You, Socrates, whom I know to be the noblest and the gentlest of all who ever came to this place, will not be angry with me when I ask you to drink the poison, for others and not I are the guilty cause." Bursting into tears, he went out and returned with a cup of poison. तो एथेंस में जब लोगों को मृत्युदंड दिया जाता था तो उन्हें एक प्याला विष दिया जाता था. सुकरात इस बात को जानते थे और उन्होंने स्वीकारोक्ति में जेलर को सिर हिलाया. ये नोडी नॉड टू शेक द हेड इन एक्सेप्टेंस. नॉट का मतलब स्वीकारोक्ति में, अर्थात हां में उत्तर देना. तो ही नॉडेड टू द जेलर, उन्होंने स्वीकारोक्ति में शीश हिलाया जेलर को. हु लुक्ड एट हिम, जिस जेलर ने उन्हें देखा. सैडली सेइंग एंड स्पोक सैडली, और दुख से बोला, "You, Socrates, सुकरात आप, whom I know, जिसे मैं जानता हूं, to be the noblest and the gentlest of all who ever came to this place, सबसे उदारतम और भद्रतम होना. To be the noblest and the gentlest of all, सबसे उदारतम और भद्रतम होना. Who ever came to this place, जो इस स्थल पर कभी आए. तो उसने कहा कि सुकरात आप, जिसे मैं इस जगह पर आने वालों में उदारतम और भद्रतम होना जानता हूं, will not be angry with me, मुझसे रुष्ट ना होंगे, when I ask you to drink the poison, जब मैं आपको विष पीने को कहूंगा. चूंकि others and not I are the guilty cause, क्योंकि दूसरे लोग दोषी हैं, नॉट आई, मैं नहीं. बर्स्टिंग इन टू टीयर्स, आंखों से झरझर अश्रुधारा बहाते हुए, ही वेंट आउट, वह बाहर निकला, एंड रिटर्न्ड विद ए कप ऑफ पॉइजन, और एक प्याला विष के साथ लौटा. कहने का अभिप्राय यह है कि एथेंस में जब लोग मरते थे तो उन्हें एक प्याला विष दिया जाता था. सुकरात इस बात को जानते थे और उन्होंने जेलर को स्वीकारोक्ति में शीश हिलाया. जो उनसे बोला, दुख से बोला,
You, Socrates, Sukrat up, whom I know to be the gentlest and noblest of all who ever came to this place, इस स्थान पर आने वालों में से जिसे मैं सबसे उदारतम और भद्रतम होना जानता हूँ, will not be angry with him, मुझसे रुष्ट न होंगे, for others and not I are the guilty cause, चूंकि दूसरे लोग दोषी हैं न कि मैं, and then bursting into tears he went out, और फिर आंखों से झरझर झरझर आंसू बहाते हुए बाहर निकला एंड रिटर्न विद ए कप ऑफ पॉइजन और एक प्याला विष के साथ वापस आया. मे द गॉड्स प्रॉस्पर माय जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, सेड सॉक्रेटिस एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स. सुकरात ने कहा कि ईश्वर मेरी यात्रा को इस विश्व से दूसरे विश्व तक समृद्ध करे, और उन्होंने प्याले को अपने होठों से लगा लिया. His pupils tried to keep back their tears. उसके शिष्यों ने अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास किया. But once of devout, but one could not control and sobbed loudly. लेकिन एक नियंत्रित न कर सका और जोर से रो पड़ा. This distressed others. इससे दूसरे लोग भी दुखी हो गए. And soon, और जल्द ही, the room was filled with the sounds of weeping. कक्ष क्रंदन ध्वनियों से भर गया. Socrates paused with the unfinished cup of poison in his hands. अपने हाथों में न समाप्त किया हुआ विष का प्याला लेकर Socrates रुक गए. He asked, उन्होंने पूछा, what's this strange noise? ये अजीब शोर कैसा है? I have heard that a man should die in peace. मैंने सुना है कि किसी आदमी को शांति से मरना चाहिए. You mustn't cry. आप लोग कतई न रोएं. Be silent and have patience. शांत हों और धीरज रखें. He looked around. सुकरात ने चारों ओर देखा, रिमेम्बरिंग समथिंग, कुछ स्मरण करते हुए सुकरात ने चारों ओर देखा. ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज पुपिल्स, वह अपने शिष्य में से एक से धीरे से बोले, क्रीटो, Can you do me a favor? क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? I owe a cock to Asclepius. मैं Asclepius देवी के एक मुर्गे का ऋणी हूं. Will you pay the debt? क्या तुम कर चुकाओगे? It shall be paid, said Crito. क्रीटो ने कहा, उसे चुका दिया जाएगा. एंड ही फर्दर आस्क्ड, और उसने भी आगे भी पूछा, इज देयर एनीथिंग एल्स, कुछ और भी क्या है? बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन उसे कोई उत्तर न मिला. फार चूंकि सॉक्रेटिस, सुकरात, The greatest of all the Greeks, सभी यूनानियों में महानतम, was dead, मर गया था. तो I think you must have understood. It's all for today. And finally, I again request you to subscribe my channel, like my videos and share them as much as you can. Bye.